हेलो दोस्तों, पूजा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार तड़का दाल। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैं यहाँ चने का दाल ले रही हूँ, इस ग्लास से 2 ग्लास। आप चाहे तो अरहर का दाल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ चने का दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए अब इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं, 3 से 4 पानी तक अच्छे से धो लेते हैं। तो चल, मैंने दाल को धो लिया है। देखिए अब हम इसे प्रेशर कुकर के अंदर डाल देते हैं। तो दाल को मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी। तो मैंने हल्दी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। मैं यहाँ 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे। तेल डाल दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे 7 से 8 सीटी आने तक पकने देते हैं। क्योंकि चने का दाल है तो पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कुकर हमारी सीटी दे चुकी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब तड़के के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च के कुछ दाने। तो हम इनसे चीज़ों को बारीक काट लेंगे। देखिए मैंने सारी चीज़ों को बारीक काट लिया है। इसे साइड में रखते हैं। पहले हम दाल चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी कैसी बनी है, गली है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, दाल गल गई है, परफेक्ट पका है दाल। और हमने पानी भी सही डाला था। देखिए दाल हमारी पक गई है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। मैंने यहाँ कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च। तो चलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। मैंने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। तो मैं यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घी या फिर रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। इसे थोड़ा चटकने देंगे, थोड़ा लाल होने देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और लौंग और काली मिर्च के कुछ दाने। तो हमने डाल दिया है, इसे भी चटकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक। इसे भी थोड़ा लाल करना है ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरी मिर्च और कटा हुआ लहसुन। इसे भी हम अच्छे से थोड़ा लाल कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। तो देखिए लहसुन अदरक हमारा लाल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हींग। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लहसुन अदरक हमारा लाल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। इसे भी अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। इसे
इसमें हम नमक थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है, तो इसलिए थोड़ा ही नमक डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों देखिए हमारा प्याज थोड़ा लाल हो चुका है। लाल हो गया है हमारा प्याज, देखिए। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसे हमें पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो देखिए टमाटर हमारा गल गया है थोड़ा टमाटर। ऐसे मैश करते हुए टमाटर को पकाएं। देखिए अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मैंने यहाँ सारे मसाले डाल दिया है और इसे थोड़ा लाल करके हम लोग पकाएंगे इसे। देखिए इस तरीके से पकाएं। दोस्तों अगर आप इस तरीके से दाल बनाते हैं तो दाल बहुत टेस्टी बनती है, बहुत इतना टेस्टी कि आप हमेशा इसे खाना चाहोगे, हमेशा इसे पकाना चाहोगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी दाल ये बनती है। देखिए टमाटर मसाले सारे हमारे लगभग पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दाल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अभी से ही बहुत टेस्टी दाल लग रही है ये। जितना लजीज दिखने में है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सिंपल राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पुलाव के साथ खा सकते हैं। ये खाने में दाल बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट पकाएंगे क्योंकि ताकि ये दाल में एक अच्छी उबाल आ जाए। तो देखिए हमारी 2 से 3 मिनट हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए अगर आपको दाल थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसे ही इसको रखेंगे। देखिए देखिए दोस्तों कितना लजीज ये दाल लग रहा है। अगर आप दाल नहीं खाते हैं, अगर आप इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आप दाल खाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए बहुत टेस्टी ये दाल लगती है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये दाल बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो दाल हमारा लगभग पक चुका है। अब हम इसमें घी का तड़का लगाते हैं। तो मैं यहाँ 1 चम्मच घी डाली हूँ और इसमें 2 मिर्च और जीरा के जीरा 1 चम्मच, छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे तड़का लगाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए हमारा दाल बनकर तैयार हो चुका है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।